आज हम लोग बनाने वाले बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल सी और झटपट से बनने वाली इजी वे में बनाएंगे कटहल की सब्जी। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैंने कटहल को कट कर धोकर रख ली हूँ और अब कर लूँगी तेल गरम और उसके बाद तड़के में लगाऊंगी मेथी दाना और कलौंजी। और जैसे ही तड़का लग जाएगा तो यहाँ पर मैं कटहल को फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैं गैस का फ्लेम हाई रखूँगी और बस सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं कटहल को फ्राई कर लूँगी। अगर आप कलौंजी और मेथी दाना का तड़का लगाकर फ्राई करोगे तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप बॉईल करके भी सब्जी बना सकते हो। तो बस कटहल फ्राई हो चुके हैं तो चलिए फटाफट से मसाला बना लेते हैं। तो मसाले में मैंने ली हूँ टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया, बस इसका पेस्ट बनाना है। ओके, सो सेम तेल और सेम कढ़ाई में मैंने ऐड कर दी हूँ जीरा और प्याज। इसको अच्छे से हम लोग प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और फिर जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाए थे उसको हम लोग ऐड करके और अच्छे से लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। ओके, तो अब सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले डाली हूँ मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मसाले को हम लोग अच्छे से तब तक भूनेंगे जब तक इसका तेल है जो वो ऊपर ना आ जाए मसाले के। तो बस यहाँ मसाला भुन चुका है तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने कटहल फ्राई करके रख लिए थे वो। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। चाहे तो आप इसको ऐसे सूखी भी खा सकते हो और जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उतना पानी ऐड कर लीजिए और इसको ढककर 5 मिनट के लिए हम लोग लो फ्लेम पे पका लेंगे। और बस कटहल की सब्जी तैयार है। सब्जी बहुत लाजवाब बनी है।